हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम एक नया सेशन और स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सारे ही प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे, उनके वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करूंगा। 12th क्लास में आपके जितने प्रैक्टिकल्स बोर्ड के शेड्यूल के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, उन सभी प्रैक्टिकल्स का यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बताऊंगा कि प्रैक्टिकल को किस तरह से परफॉर्म करना है, उसमें रीडिंग किस तरह से लेनी है और उस प्रैक्टिकल का क्या सिस्टम रहेगा, बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से उसमें काम करना है। इससे ये होगा कि आप पढ़ने के साथ साथ अपना प्रैक्टिकल काम भी साथ साथ में कर लोगे, जिससे बाद में एक साथ आपको बर्डन नहीं पड़ेगा और हमारा मेन काम बाद में केवल रीडिंग लेना ही रह जाएगा। तो आज के सेशन में हम बेसिकली पहले ये पढ़ेंगे कि जो हम एपरेटस 12th क्लास में यूज़ करेंगे, उन एपरेटस का लीस्ट काउंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, मतलब उनका अल्पतमांक हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो मोस्टली 12th क्लास के जो प्रैक्टिकल्स है गाइस, उसमें हम एमीटर और वोल्ट मीटर का सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। ऑलमोस्ट आपको सभी प्रैक्टिकल्स में एमीटर और वोल्ट मीटर देखने को मिल जाएंगे। तो एमीटर और वोल्ट मीटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है और उनसे रीडिंग किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, उसी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और जब हम ये जान लेंगे कि वोल्टमीटर और एमीटर को किस तरह से यूज़ करना है, उसमें रीडिंग किस तरह से लेनी है, उसके बाद हम हमारे प्रैक्टिकल सेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हर बार हम एक नया प्रैक्टिकल चूज़ करेंगे, उस प्रैक्टिकल की कम्प्लीट स्टडी करेंगे। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, हो सका तो उस पर एनिमेशन वीडियो भी आपको बता दूँगा, जिससे आप कम्प्लीटली ये समझ सको कि ये प्रैक्टिकल किस तरह से परफॉर्म करना है। और उसके बाद जब मैं कहूँ तभी आपको आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखना है, मुझे बिना इन्फॉर्म किए आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नहीं लिखना है। उसकी पीडीएफ फाइल जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं प्रोवाइड ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लेकिन जिस दिन आपको जिस प्रैक्टिकल का काम करना है उस दिन उसी प्रैक्टिकल की पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मुझे बिना पूछे या मुझे बिना इन्फॉर्म किए आपको कोई प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नहीं लिखना है। उससे ये होगा कि आपका सीक्वेंस खराब हो जाएगा, आपको उसी सीक्वेंस से लिखना है जिस सीक्वेंस से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं आज कि एमीटर और वोल्टमीटर क्या होता है, इनको सर्किट में किस तरह से जोड़ा जाता है और किसी भी एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, हम उसकी रीडिंग को किस तरह से ज्ञात करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एमीटर बेसिकली होता क्या है। देखिए, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली धारा, विद्युत धारा को मापता है, उसको मेजर करता है। तो एमीटर जो है वो बेसिकली किसको मापता है, एमीटर बेसिकली विद्युत धारा को मापता है, ये मापता है इलेक्ट्रिकल करंट यानी कि विद्युत धारा को मापता है। अब एमीटर जो है उसको हम हमेशा ही सर्किट में सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हमेशा याद रखिए कि हम एमीटर को श्रेणी क्रम में ही जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम से मेरा क्या मतलब है, श्रेणी क्रम से मेरा ये मतलब है कि अगर हमें किसी वायर में, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वायर है ए बी, और इस ए बी को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो होगा क्या कि इस बैटरी से इस वायर ए बी में धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, धारा I प्रवाहित होगी। और हमें इस धारा को अगर मापना है तो हम क्या करेंगे, एमीटर का उपयोग करेंगे। तो हम एमीटर को किस प्रकार से जोड़ेंगे, हम इस वायर के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, मतलब इसी के सीध में। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसके बीच में एक एमीटर लगा देंगे। इस प्रकार इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार जोड़ेंगे कि एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रहे और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रहे। तो इसमें रीडिंग आएगी और रीडिंग से हम इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को माप सकते हैं। तो याद रखिए, एमीटर बेसिकली इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करता है और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इस एमीटर का हम अल्पतमांक कैसे ज्ञात करें और अल्पतमांक ज्ञात करने के बाद इसकी रीडिंग किस प्रकार से लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, किसी भी एमीटर का अल्पतमांक ज्ञात करना। तो देखिए गाइस, अल्पतमांक किस प्रकार से ज्ञात होता है, उसका एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एमीटर का जो यहाँ पे अल्पतमांक निकालेंगे अपन,
अल्पतमांक वो होता है अ मीटर का परास, अ मीटर की परास और अपॉन ए मीटर में भागों की कुल संख्या। देखिए अल्पतमांक का मतलब क्या होता है, अल्पतमांक का मतलब होता है कि ये एमीटर कम से कम कितना माप सकता है, अल्पतम अंक यानी कम से कम कितना ये एमीटर माप सकता है उसे इसका अल्पतमांक कहते हैं। ये किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करेंगे एमीटर की परास और अपॉन उसमें भागों की कुल संख्या। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है गाइस, इस डायग्राम को देखिए, ये एमीटर को शो कर रहा है। इस एमीटर में हाईएस्ट हम देखें तो ये कितना माप सकता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी है 3 एम्पियर। देखिए 0 फिर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, मतलब इस एमीटर में ज्यादा से ज्यादा 3 एम्पियर की धारा को मापा जा सकता है। और ये नीचे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि एमीटर की परास कितनी होती है। तो एमीटर की परास का मतलब है कि एमीटर द्वारा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना मापा जा सकता है। तो यहाँ पे हम इस एमीटर को देखें तो यहाँ पे इस एमीटर द्वारा हम मैक्सिमम 3 एम्पियर माप सकते हैं। तो इसका अगर लीस्ट काउंट निकालने जाए तो हमारे पास एमीटर की जो परास आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 एम्पियर। ठीक, अब एमीटर में भागों की कुल संख्या अपन ज्ञात करें तो ये जो छोटे छोटे आपको खाने दिख रहे हैं इस खानों की आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 5 खाने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये आगे 10 10, और यहाँ से यहाँ तक 20 20, और ये 10 30, मतलब इसमें कुल खानों की संख्या मेरे पास कितनी है, 30 है। तो इसमें भागों की संख्या अगर आपने भाग दे दिया तो हम क्या देखते हैं, 3 में इसका भाग दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/10 एम्पियर यानी कि 0.1 एम्पियर। इसका ये मतलब है कि इस एमीटर द्वारा कम से कम 0.1 एम्पियर की धारा को मापा जा सकता है, उससे कम धारा को हम नहीं माप सकते। देख लीजिए किस प्रकार से हमने ज्ञात किया, अल्पतमांक होता है एमीटर की परास यानी ये कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम माप सकता है, ये 3 एम्पियर मैक्सिमम माप सकता है, और अपॉन उसमें भागों की कुल संख्या। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से यहाँ तक 10 खाने, ये 10 20, और ये 10 30। तो टोटल खानों की संख्या या भागों की संख्या इसमें 30 आ गई, इसमें इसका भाग दिया यानी 0.1 एम्पियर। इसका ये मतलब है कि इसका ये एक जो खाना है मेरे पास, एक छोटा सा भाग, ये एक छोटा सा भाग 0.1 एम्पियर की धारा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे, देखिए ये पॉइंटर यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये पॉइंटर अगर इस खाने पे शो कर रहा है तो ये कितनी धारा को माप रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि एक छोटा खाना जो है, प्रत्येक खाना वो एक 0.1 एम्पियर की धारा को रिप्रेजेंट करता है। तो एक भाग अगर 0.1 एम्पियर की धारा को रिप्रेजेंट करता है तो दो भाग कितने को करेंगे, 0.2 को, तीन भाग कितने करेंगे, 0.3 को, इसी तरह पांच भाग करेंगे 0.5 को, सात भाग करेंगे 0.7 को, 10 भाग कितने को करेंगे, 1 एम्पियर को। तो देखिए 10 भाग जो है वो 1 एम्पियर को शो करेंगे। इसी प्रकार से 20 भाग कितने को शो करेंगे, तो 20 से इसको गुणा करो तो 2 एम्पियर आएगा, मतलब ये 2 को शो करेंगे। तो इस प्रकार अल्पतमांक का मतलब है कि ये अमीटर कम से कम कितनी धारा को माप सकता है। अब यहाँ पे हम रीडिंग किस प्रकार से लेते हैं, तो अमीटर की जो रीडिंग है वो किस प्रकार से ली जाती है, अमीटर का जो पाठ्यांक है वो किस प्रकार से लिया जाता है। तो देखिए अमीटर का पाठ्यांक होता है वो होता है भाग और भागों की संख्या को, भागों की संख्या या खानों की संख्या कह दो मैं इसे, और उसे हम अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं। जैसे समझिए हमने किसी अमीटर को सर्किट में जोड़ा और इसका ये जो पॉइंटर है वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो यह इसकी रीडिंग किस प्रकार से आएगी, तो देखिए खानों की संख्या या भागों की संख्या, ये पॉइंटर कौन से खाने पे है, तो यहाँ से अपन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब ये 8वें खाने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो खानों की संख्या तो मेरे पास कितनी आ गई, 8, और इसका अल्पतमांक कितना है 0.1, तो मेरे पास इसको गुणा किया तो यह आ जाएगा 0.8 एम्पियर। मतलब अगर ये पॉइंटर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है तो ये कितनी धारा को शो कर रहा है, 0.8 एम्पियर को। अल्पतमांक का पाठ्यांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, भागों की संख्या को अल्पतमांक से हम गुणा करें। इसी प्रकार मान लेते हैं कि ये पॉइंटर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं पे, ठीक है, तो आप बताइए कि हमारे पास अमीटर का पाठ्यांक कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए खानों की संख्या कितनी, यहाँ से यहाँ तक 10, ये 15, ये 20, 20 के बाद 21 22 23 और 24। तो हम अगर इस यहाँ पे पाठ्यांक निकालना चाहें तो भागों की संख्या कितनी, 24, और इसको अल्पतमांक 0.1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2.4 एम्पियर। मतलब हमारे पास अगर पॉइंटर इस पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी,
2.4 एम्पियर। तो इस प्रकार हम अमीटर का अल्पतमांक कैसे ज्ञात करते हैं, परांश में भागों की संख्या का भाग देते हैं तो हमारे पास अल्पतमांक आता है। और अमीटर का पाठ्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है, पाठ्यांक ज्ञात करने के लिए पॉइंटर जिस खाने को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम अल्पतमांक से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इस प्रकार हम अमीटर का क्या निकालते हैं, अल्पतमांक, और अमीटर की क्या ज्ञात करते हैं, रीडिंग ज्ञात करते हैं। क्लियर है गाइस? ठीक, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं वोल्टमीटर के बारे में। देखिए वोल्टमीटर बेसिकली क्या होता है, वोल्टमीटर होता है ऐसा डिवाइस जो किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के काम आता है। अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, विभवांतर मेजर करना है, तो उसके लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। तो ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये मेजर करता है, यहां पे लिख देता हूं, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर मेजर करता है दो बिंदुओं के बीच में। और इसको हमेशा ही श्रेणी क्रम में न जोड़ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसे हमेशा हम किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम भी समझ लेते हैं किस प्रकार से। जैसे हमने बात करी थी कि किसी वायर ए बी में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक वायर का टुकड़ा है ए बी, और इस वायर के टुकड़े ए बी को हमने बाहरी परिपथ से जोड़ रखा है, एक बैटरी से जोड़ दिया। देखिए तो हमने क्या देखा कि किसी वायर के टुकड़े ए बी को हमने बैटरी से जोड़ा, तो इस स्थिति में इसमें धारा प्रवाहित होगी, मान लेते हैं धारा आई प्रवाहित हो रही, और इस धारा को मापने के लिए हमने इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाया था, अमीटर लगाया था। इस अमीटर को इस प्रकार लगाया था कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रहे और इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रहे। तो ये धारा को मापेगा। हम ये चाहते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर मापना है, तो हम किसका यूज करेंगे, वोल्टमीटर का यूज करेंगे। और उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है, इन दोनों बिंदुओं के जस्ट ऊपर, मतलब यहां से एक वायर निकालेंगे, यहां से वायर निकालेंगे, और इन दोनों के बीच में हम किसको जोड़ देंगे, वोल्टमीटर को जोड़ देंगे। वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा और इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। तो ये वाला इसी के साथ जोड़ना तो श्रेणी क्रम कहलाता है, और इससे ऊपर या इसके नीचे जोड़ना ये समांतर क्रम में कहलाता है। मैंने 11th क्लास में ये प्रैक्टिकल करवाए भी थे, तो आपको एग्जैक्टली पता भी होगा। और जब इस सेशन स्टार्ट होगा, जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे, तभी हम ये देखेंगे कि समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस वोल्टमीटर की रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है और इसका अल्पतमांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जैसे हमने अमीटर की रीडिंग ली थी, अल्पतमांक ज्ञात किया था, वैसे हम वोल्टमीटर की भी रीडिंग लेते हैं और इसका भी अल्पतमांक ज्ञात करते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस, इसको मैं कर देता हूं रफ। तो सिमिलरली यहां पर हम अगर अल्पतमांक बात करें वोल्टमीटर की, तो वोल्टमीटर का जो अल्पतमांक आएगा, अल्पतमांक वो भी सेम आएगा, वो होगा वोल्टमीटर की परास, वोल्टमीटर की परास, और उसमें हम भागों की संख्या का भाग दे देंगे, भागों की कुल संख्या। तो देखिए वोल्टमीटर की परास का मतलब ये वोल्टमीटर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना वोल्टेज डिफरेंस मेजर कर सकता है। तो इसमें देखिए मैक्सिमम कितना वोल्टेज ये मेजर कर सकता है, 4 वोल्टेज मेजर कर सकता है। तो इसमें इसकी परास तो आ जाएगी 4 वोल्ट। और खानों की संख्या, तो देखिए यहां से लेके यहां तक कितने हैं, 10, फिर यहां से यहां तक 20, यहां से यहां तक 30, और ये 40। तो खानों की संख्या कितनी, 40। तो यहां मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/10 यानी कि 0.1 वोल्ट। यानी इस वोल्टमीटर का जो अल्पतमांक है वो 0.1 वोल्ट है, मतलब ये मिनिमम से मिनिमम 0.1 वोल्ट माप सकता है। या ये कहूं कि इसका एक छोटा सा खाना, प्रत्येक खाना 0.1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हम इसमें अगर रीडिंग लेना चाहें तो इसका पाठ्यांक किस प्रकार से आएगा, इसका पाठ्यांक भी अमीटर के पाठ्यांक की तरह ही आएगा। इसमें अपन खानों की संख्या को अल्पतमांक से गुणा करेंगे, खानों की संख्या, और उसको हम किससे गुणा करेंगे, अल्पतमांक से गुणा करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे मान लेते हैं ये पॉइंटर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो ये पॉइंटर कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए गिने अगर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, यानी ये 17वें खाने पे इंडिकेट कर रहा है। तो खानों की संख्या आ गई 17, और इसका अल्पतमांक कितना है, 0.1। तो इसको इससे गुणा किया जाएगा 1.7 वोल्ट।
मतलब अगर यहाँ पे ये पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ इसमें कितना वोल्टेज होगा, 1.7 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार हम अमीटर और वोल्टमीटर का अल्पतमांक ज्ञात करते हैं और उसकी रीडिंग ज्ञात करते हैं। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम पहला प्रैक्टिकल पढ़ेंगे जो है ओम्स लॉ, यानी किसी दिए गए तार के सिरों पर विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच ग्राफ खींचकर दिए गए तार का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ज्ञात करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वाले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।